मत करी। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये वो गुरु है जिन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जिन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को राह दिखाई, और आज अवध ओझा सर हमारे बीच में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर का एक वीडियो हम देख लेते हैं। हेलो चेक, वन टू थ्री चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, वन टू थ्री चेक, हेलो चेक, हेलो वन टू थ्री चेक। सर कितने सिंगल लोग एक बार हाथ खड़ा करना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं। आप मुझे हर रोज सुनते हैं यंगेस्ट आए शो में, 2 से 5 बजे के बीच में, राजस्थान के 5 शहरों में। हाँ, क्या नाम है भाई आप बता दो यार। ये बस क्या है? अरे निकल। ओके ओके जी भाई, क्या नाम है? अनुकल। अनुकल वो भाई के नाम की नहीं, एक बार जोरदार ताली हो जाए। भाई ये नाम किसने रखा, सच सच बताना। मेरे दादाजी ने। ओ यार, मेरे दादाजी ने रखा। जो देखा आपने, खैर क्या करते हो भाई आप? बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग। मुझे पता था इंजीनियर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आप? बस मोटिवेट होने आया हूँ। वाह भैया, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया? मोटिवेशन की जरूरत आखिर तुम्हें कहाँ पड़ गई? क्या रिलेशन रिलेशन टूटा है, क्या हो रहा है? सही पकड़े हैं। मोटिवेशन जरूरी नहीं है, रिलेशन के पीछे ही है। भाई का जो है दिल भारी वाला टूटा है। ओ तेरी, ठीक है। और प्यार में नहीं टूटा है, ठीक है। इंजीनियरिंग में कहीं बैग आई है कभी? इंजीनियरिंग मतलब बैग होती है भाई। और कोई इंजीनियर है? और कोई तैयार है आप? बहुत कैरी। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये वो गुरु है जिन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जिन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को राह दिखाई, और आज अवध ओझा सर हमारे बीच में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर का एक वीडियो हम देख लेते हैं। ज्यादा पढ़ा जाता है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ग्रुप जो है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा सुचित भंडारी सर को। मैं चाहूंगा सर आप स्टेज पर ही रुके। सवाल पूछना चाहे अवध सर से सीधा तो हाथ खड़ा कर सकता है, हमारे साथ ही आप तक आ जाएंगे। सबसे पहले तो प्रणाम सर। सर मेरा सवाल ये है, आप तो मेरे इंस्पिरेशन शुरू से हैं, लेकिन अब अगर हमको आप एक लाइन का वन लाइन मंत्र देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? ध्यान, ओनली मेडिटेशन। एक छोटी सी बात,
साथ हो रही हो, जो मन आज तुमसे कुछ भी करवा रहा है, अगर वो तुम्हारे कब्जे में आ जाए, फिर आज तुमको ये दो घंटे पढ़ने नहीं दे रहा और तुम्हारे कब्जे में आ गया, फिर तो तुम 12 घंटे बैठ के पढ़ोगे। श्योर सर, है ना? सीरियसली ध्यान सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पढ़ाई वढ़ाई आपने बताया, वो कौन से प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेंगे आप ऑनलाइन? अवधूजा ऐप है, तो अवधूजा ऐप है, उस पर जा सकते हो। उसका पहला दो लेक्चर रे अवधूजा करके यूट्यूब चैनल है, ये मैं आपसे स्पेशली कहना चाहूंगा कि ये जो रे अवधूजा चैनल है, इस पे आप कुछ मत देखो, लेकिन गीता का शो जरूर देखो। थैंक यू सर, गीता में पढ़ा रहा हूँ, आप उसका शो जरूर देखो, फोर्थ लॉ। प्रणाम गुरु जी। चतुर्लिंगम मॉडल पे नहीं पढ़ना है, या तो पढ़ना ही नहीं है। कितनी बड़ी चीज है पढ़ाई, कितनी बड़ी। संस्कृत का एक श्लोक है, न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राजा भाज्यम न च भारकार। न भाई ले सकता है, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न ही वो भार है। वे कृते वर्धते, जितना मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाई को ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने का माध्यम बनाएं। और चित्तौड़ वॉज द डोर फॉर गुजरात, चित्तौड़ गुजरात का दरवाजा है। जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा उसको गुजरात जाना ही जाना है, क्योंकि गुजरात के बंदरगाह किससे कनेक्ट होते हैं? मिडिल ईस्ट के बंदरगाहों से, ईरान और सऊदी अरेबिया। तो जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा उसको गुजरात जाना है, जाना ही जाना है। और दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, और राजस्थान में भी जो चित्तौड़ है वो गुजरात का दरवाजा है। तो जब तक गुजरात के दरवाजे पर दिल्ली का कब्जा नहीं होगा, ये पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स पर कभी भी सेंटर का कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए राणा उदय सिंह और मुगलों की लड़ाई शुरू हुई। राणा उदय सिंह ने कहा कि दरवाजे को हम हैंड ओवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम लड़ना जानते, इससे नहीं करेंगे। जो भी आदमी लड़ना जानता है वो सरेंडर करेगा ही। उन्होंने कहा हमसे समझौता कर दो, जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा उसका हिस्सा आधा तुम ले लो, आधा हम ले लें, पर हम समझौता है, बस समझौता करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन पावर को पढ़ी, दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ एजुकेशन। आप लोग एक मिनट दीजिए, अरे बाउंसर सबकी अलग से ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, जाने आओ सर।